महोदय, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे आपने इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक 2015 पर बोलने का अवसर दिया, और मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपनी पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी का, जिन्होंने मुझे इस मुद्दे पर अपनी बात कहने का मौका दिया। महोदय, ये विधेयक चूंकि पहले ही लोकसभा द्वारा पारित हो चुका है, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी जरूरी बातें हैं जिन पर खुले मन से चर्चा होना बहुत जरूरी है। मैं इस विधेयक को इसलिए भी बहुत खास मानता हूं क्योंकि इसके जरिए देश में बहुत सारी खाद्य सामग्री, वस्तुएं, माल, आभूषण आदि की क्वालिटी को प्रमाणित करने का नज़रिया तय होगा। इन तमाम चीज़ों को प्रमाणित करने के लिए हमारे देश में बहुत सारे मानक चिन्ह और होलोग्राम आदि का प्रयोग हमारी सरकारों की तरफ से किया जाता रहा है। आज हमारे देश में बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ बहुत सारी नकली कंपनियां, दुकानें और विक्रय केंद्र खुल गए हैं जहां पर नकली चीज़ों को असली का चिन्ह लगाकर बेचा जाता है और लाखों शरीफ और खासकर गरीब लोगों को ठगा जाता है। मैं पिछले 3 वर्षों का हवाला देकर ये समझाना चाहता हूं कि आखिर हमारे देश में बिना वैध लाइसेंस के मानक चिन्हों का गलत इस्तेमाल करते हुए कितने मामले दर्ज हुए हैं। महोदय, साल 2011 से 2013 के बीच लगभग 280 ऐसे मामले दर्ज किए गए जिनमें ये बात साबित हुई है कि भारतीय मानक ब्यूरो के मुताबिक सही मानक चिन्हों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगर मैं सोने के जेवरात के बेचने वाले लाइसेंस धारकों के सिलसिले में बात करूं, तो आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा फरवरी और मार्च 2015 में होलोमार्क युक्त आभूषणों को, जो भारत में बेचे जाने वाले कुल आभूषणों का एक छोटा सा भाग है, जिनके नमूने लिए गए 193 नमूने परिणाम दर्शाते हैं कि 145 नमूने शुद्ध परीक्षण में सफल पाए गए, जबकि 48 नमूनों में चिन्ह अंकित सुस्ता में औसतन 0.2% की कमी देखी गई। महोदय, 2006 में 16 शहरों में किए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि गैर हॉलमार्क आभूषणों के 90% नमूने घोषित सुस्ता में औसतन 13.5% की कमी को दर्शाते हुए फेल हो गए। इसी तरह देश में और बहुत सारी खाने पीने की, पहनने की वस्तुएं हैं जो खुल्लम खुल्ला बिना किसी मानक और होलोग्राम के बिक रही हैं, और देश के करोड़ों लोग उनसे बिना गुणवत्ता के वस्तुएं खरीदकर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। महोदय, इसलिए मैं आपसे, आपके माध्यम से सरकार से उम्मीद करूँगा कि भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में भारतीय मानक ब्यूरो नामक संस्था को जितना मुमकिन हो सके मजबूत बनाया जाए, और जो भी लोग हमारे देश में बिना मानक चिन्हों के वस्तुओं की बिक्री करते हैं उनके खिलाफ सख्त कानून बनाने पर विचार करें, ताकि देश के बाजारों में लोगों का विश्वास बढ़े और सही चीज देश के लोगों तक पहुंच सके। माननीय, मैं अपने देश के सच्चाई आपके सामने लाना चाहता हूं। भारतीय मानक गुणवत्ता की सच्चाई हिंदुस्तान की मिट्टी से करना चाहता हूं। वो ईंट जो भारत के हस्तशिल्प की प्रतीक है, अगर किसी महल के कंगोरे में लगा दी जाती है तो हजारों हजारों साल भारतीय गुणवत्ता की प्रतीक बन जाती है। इसी प्रकार हस्तशिल्प के बनना वाला कपड़ा भारत की गुणवत्ता का इतिहास बनकर पूरे देश दुनिया के कोने कोने में बिक रहा है। ये हमारे देश की गुणवत्ता है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूँगा कि इसे सख्त बनाया जाए ताकि देश की जनता को इससे फायदा पहुँचे, और हमारी पार्टी और हम इसका समर्थन करते हैं। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।